जिला सोलन में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। जिला प्रशासन आए दिन बैठकें कर विभिन्न वर्गों के लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। उपायुक्त सोलन ने मीडिया को भी चुनाव के प्रति जागरूक किया और चुनावी संबंधी विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि वीवीपैट मशीन से चुनावों में पारदर्शिता आएगी वे लोगों का रुझान चुनावों में बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी युवा मतदान की उम्र में पहुंच चुके हैं वे विभिन्न माध्यमों से अपने वोटर कार्ड बनवा लें जिससे इन चुनावों में वे अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त सोलन ने बताया कि 2012 के चुनावों में जिला सोलन में 3,34,628 मतदाता थे। वे इस बार मतदाताओं की संख्या अभी तक 3,69,071 है। उन्होंने बताया कि इस बार 7,922 मतदाता नए जुड़े हैं। इस प्रकार अभी तक 2.19% मतदाता बढ़े हैं और अभी भी वोटर कार्ड बनने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि कुल मतदाताओं में से 1,213 दिव्यांग मतदाता भी हैं। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने कहा कि इस बार चुनावों को पारदर्शिता और चुनाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर चुनावों में भाग लें व अपने मत का प्रयोग करें। आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए जिले में सारी तैयारियां समय पर चल रही हैं और पूरा का पूरा जो इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रशासन है, वो ये तैयार है इस बात के लिए कि हम सब मिलकर जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा पाएं, जिसके लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनको आदर्श चुनाव संहिता और दूसरे प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। उसी तरह आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जो पेड न्यूज का सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की गई और उनको कमीशन के प्रावधानों से अवगत करवाया गया। ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए अलग अलग जगह पर अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, स्वीप की एक्टिविटीज की जा रही हैं ताकि 100% पोलिंग के लिए वोटर्स को तैयार किया जा सके। बैलेट यूनिट है, उसके साथ ही एक मशीन होगी जो वीवीपैट मशीन है, जिसमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक वोटर को ये नजर आएगा कि जिसको उसने वोट दी है उस कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर और उनका सिम्बल दिखाई देगा, जिसके जरिए वो ये कंफर्म कर सकेंगे कि उनका वोट ठीक तरीके से गया है।